Hello everybody and welcome in biological world. Now the topic of discussion is pattern of embryonic cleavage. First one is holoblastic or total cleavage. When the cleavage furrow divide the entire egg, it may be यानी एक ऐसी क्लीवेज जिसमें जो फरो होती है या जो लाइन होती है वो इंटायर एग को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है। क्लीवेज एक तरह की सेल डिवीजन है जिसमें साइज़ इंक्रीज नहीं होता और वो डिवीजन जो कि एवरी 10 मिनट्स के बाद होती है। व्हेन द क्लीवेज फरो कट द एग इनटू टू इक्वल सेल्स, जब क्लीवेज का जो फरो है जो लाइन है वो इंटायर एग को टू इक्वल सेल्स में डिवाइड करता है, उसे हम इक्वल क्लीवेज कहते हैं। इट मे बी रेडियल सिमेट्रिकल, स्पायरल सिमेट्रिकल और इरेग्युलर। यानी ये रेडियली सिमेट्रिकल भी होती है इक्वल में, स्पायरल सिमेट्रिकल भी होती है और इरेग्युलर भी होती है। व्हेन द रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर बिकम अनइक्वल इन साइज, अनइक्वल कौन सी क्लीवेज होती है, कौन सी टाइप है जिसमें जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स होते हैं जो कि सेल बनते हैं वो अनइक्वल इन साइज हो जाते हैं। Right, so the next one is meroblastic cleavage. When the segmentation take place only in a small portion of egg resulting in a formation of blastoderm, yani jo segmentation hoti hai jab small portion of egg mein take place hoti hai और उसका क्या रिजल्टेंट होता है, ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है, उस क्लीविज को हम मीरोब्लास्टिक क्लीविज कहते हैं। यानी जो ब्लास्टोडर्म क्लीविज होता है उसमें जो फरो होता है वो इंटायर एग को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। राइट, सो इट इज़ कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीविज। यूजली द ब्लास्टोडर्म इज प्रेजेंट इन एनिमल पोल एंड द वेजिटल पोल बिकम लेडन विद योक विच रिमेन इन अनक्लीव्ड स्टेज। यहाँ पर जो एनिमल पोल है वो योक पुअर पोल है, राइट, और जो वेजिटल पोल है वो योक रिच पोल है। नाउ अब यूजुअली द ब्लास्टोडर्म इज़ प्रेजेंट इन एनिमल पोल, एनिमल पोल कौन सा है, एनिमल पोल योक पुअर पोल है और यहाँ पर बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो वेजिटल पोल होता है उसमें योक की कंसंट्रेशन इंक्रीज अमाउंट में होती है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। विच रिमेन इन अनक्लीव्ड स्टेज, अनक्लीव्ड होता है, इन प्लेन ऑफ डिवीजन डज नॉट रीच द पेरिफेरी ऑफ ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टो डिस्क। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, जो वेजिटल पोल है यो या हम ये भी कह सकते हैं योक रिच पोल है, वहाँ पर कोई क्लीविज नहीं होती। क्लीविज किधर होती है, जो योक पुअर पोल है जस्ट लाइक एनिमल पोल, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अनक्लीव स्टेज कौन सी हो जाती है, वेजिटल पोल अनक्लीव स्टेज बन जाती है। यानी एक ऐसा क्लीविज जो कि स्मॉल सेगमेंटेशन में क्लीविज हो उसे हम मीरोब्लास्टिक क्लीविज कहते हैं। इन प्लेन ऑफ डिवीजन डज नॉट रीच द पेरिफ्री ऑफ मीजोडर्म, यानी जो मीजोडर्म है उसकी पेरिफ्री तक क्लीविज नहीं पहुँच पाती, यानी पूरे एंड तक नहीं जाती। और ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टोडिस्क भी कहते हैं हम इसको, यानी पेरिफ्री तक डिविजन्स नहीं जाती क्लीविज की। कहाँ पर होती है, एक थोड़ी सी सेगमेंटेशन में होती है, थोड़ी सी जगह पर होती है, उसे हम मीरोब्लास्टिक क्लीविज कहते हैं। नाउ ट्रांजिशनल क्लीविज, इन मैनी एग द क्लीविज इज टिपिकल विच इज़ नाइदर टिपिकल होलोब्लास्टिक नॉर मीरोब्लास्टिक बट एज्यूम टू बी अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन टू। एक थर्ड टाइप की एक ऐसी क्लीविज है जो कि ना तो होलोब्लास्टिक है और ना ही मीरोब्लास्टिक है, ये क्लीविज की पैटर्न है, बल्कि ये जो स्टेज है ये इन दोनों के दरम्यान में होती है। लिटिल बिट दोनों की सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट होती है, बट ना तो कंप्लीट मीरोब्लास्टिक होती है और ना ही कंप्लीट होलोब्लास्टिक होती है। ऐसी क्लीविज को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्लीविज को हम ट्रांजिशनल क्लीविज कहते हैं। नाउ ये टाइप्स ऑफ क्लीविज, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक, ये टू इसकी टाइप्स हैं। अब होलोब्लास्टिक की क्या टाइप्स हैं, आइसोलेसिथल इसमें क्लीविज होती है और मीजोलेसिथल क्लीविज होती है। आइसोलेसिथल में रेडियल क्लीविज होती है, स्पायरल क्लीविज, बायलैटरल और रोटेशनल क्लीविज होती है, जबकि मीजोलेसिथल में जिसमें जो योक की कंसंट्रेशन है वो ग्रेट होती है उसमें डिस्प्लेस रेडियल क्लीविज, यानी थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, होती है रेडियल क्लीविज है। मीरोब्लास्टिक क्लीविज की टू टाइप्स हैं, टीलोलेसिथल यानी जो
ये ऑन द बेसिस ऑफ यॉक की जो कंसंट्रेशन होती है, टीलोलेसिथल में बाइलेटरल क्लीवेज आ जाती है और डिस्कॉइडल आ जाती है, जबकि सेंट्रल एसिथल में जो यॉक है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जो सेंट्रल एसिथल में क्लीविज कौन सी आती है, सुपरफिशियल क्लीविज आ जाती है और ये मोस्टली इंसेक्ट्स में होती है। टीलोलेसिथल जो है इसमें जो यॉक प्रेजेंट होता है वो डेंस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसके एग्जांपल बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, जबकि आइसोलेसिथल में यॉक की कंसंट्रेशन स्मॉल होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जबकि मीजोलेसिथल में जो यॉक की कंसंट्रेशन है वो मॉडरेट हो जाती है। राइट, ये था पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज के बारे में।